पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ रुपए का टर्म लाइफ इंश्योरेंस केवल 450 रुपए महीने से शुरू। पर बात करने के लिए हमारे साथ नए पद्म सागर जी महाराज हैं, जैन धर्म गुरु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आप अगर अपने शब्दों में जरा लोगों को समझा पाए, आपत्ति जो कही जा रही है, अगर पर्यटन स्थल बना दिया जाता है तो गुरुजी एक तरह से ये सोचा जाता है कि लोग ज्यादा आएंगे, जो जैन समुदाय के लोग हैं अगर उनकी भी वहां पे दुकानें हैं वो ज्यादा कमाई कर पाएंगे और जो प्रचार प्रसार भी इस पूरे धर्म का हो सकता है। आपकी क्या राय है इस बारे में? भारतीय संस्कृति ये कहती है आचार खोकर के कोई प्रचार नहीं होता। आचार यानी पवित्रता, विशुद्धि, भोजन का विशुद्धि, विचारों की विशुद्धि और प्रवृत्ति यानी क्रियाओं की विशुद्धि। तीर्थों के अंदर आदमी क्यों जाता है? निष्पाप बनने के लिए, कर्मों से मुक्त बनने के लिए, पापों से मुक्त होते हुए परमात्मा बनने के लिए व्यक्ति तीर्थ यात्रा में जाता है। अन्य स्थानों में किया हुआ पाप व्यक्ति तीर्थ स्थानों में छोड़ता है और यदि तीर्थ स्थानों में पाप करेगा तो व्यक्ति कहां छोड़ेगा? शास्त्र कहते हैं भारतीय परंपरा के जैन धर्म ग्रंथ, हिंदू धर्म ग्रंथ पुकार पुकार करके कहते हैं तीर्थ स्थानों में पाप करे तो जीव 7 बार सातवीं नरक में जाता है। महाराज तो जी हमारे लिए बहुत पवित्र है, भारतीय संस्कृति के लिए पवित्र है और जैनों के लिए ये दोनों तीर्थ बहुत ज्यादा पवित्र है। जी महाराज जी, सरकार ने इसे इको सेंसिटिव जोन भी घोषित किया है। इसके मतलब ये भी है कि वो यहाँ के पर्यावरण को सहेज के रखना चाहते हैं। आपकी राय? पर्यावरण तो हमने, भगवान महावीर ने, ये तीर्थंकरों की परंपरा ने अद्भुत उपदेश दिए हैं और ये पर्यावरण की रक्षा हम लोगों ने सदियों से की है। अकबर से लगा के पालगंज के राजा तक ये सारे पहाड़ जैनों के पास ही थे और तब से पर्यावरण रक्षा की है। देश आजाद बहुत बाद में हुआ और आज भी पर्यावरण के लिए जैन धर्म जितना उपदेश देता है ऐसा विश्व का कोई धर्म नहीं देता। हम पानी भी घी की तरह उपयोग में लेते हैं, एक पत्ते को, एक फूल को भी तोड़ना ये पाप होता है। केवल परमात्मा की भक्ति के लिए श्रेष्ठ खुशबू वाला फूल अलाउड है, बाकी कोई पेड़ पौधे उसको छूना भी गुनाह है। तो इससे बढ़िया पर्यावरण की रक्षा और क्या हो सकती है। महाराज जी, अब इस मामले में, क्योंकि मैं अभी दिखाऊंगी, हमारी सहयोगी हर्षा ने भी बात की है, कुछ अनशन पर हैं, कुछ महाराज मुनि लोग अनशन पर हैं इस मामले को लेकर। एक की मृत्यु भी हो गई है, दुख का ये बात है, लेकिन ऐसे में कितना आगे आप लोग इसे ले जाएंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है भारतीय संस्कृति का मूलाधार हमारे तीर्थ है। तीर्थों से जो ओरा निकलती है पूरे देश की सभी प्रजा को खुशहाल बनाती है, सुख शांति प्रदान करती है और ये तीर्थों में इतनी महिमा है। ये दोनों तीर्थ सम्मेद शिखर दीप और गुजरात के अंदर गिरिराज पालिताना, ये दोनों तीर्थों में जैनों की मान्यता है हर कंकर से अनंत अनंत आत्माओं ने मोक्ष को पाया है और सम्मेद शिखर दीप में इस 24 के 20 तीर्थंकर परमात्मा ने निर्वाण को, मोक्ष को पाया है। भगवान राम की जन्मभूमि हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है, भगवान ने वहां जन्म लिया था तो भगवान के निर्वाण की भूमि उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और ऐसे तीर्थों को पर्यटन स्थल घोषित करना इससे बढ़कर के कोई अपराध नहीं होता। महाराज जी, लेकिन झारखंड के हमारी मांगे है, जैन समाज शांति प्रिय है, कभी सड़कों पर नहीं आता, हमेशा उदारता, हमेशा प्रेम, हमेशा सहिष्णुति, हमेशा देश की भक्ति, लेकिन हम इतने ज्यादा आहत हुए हैं और सरकार को हम निवेदन कर रहे हैं कि इस तरह से तीर्थों की आशातना न होने दी जाए। महाराज जी, अब झारखंड के मुख्यमंत्री ने कहा इस पर दोबारा विचार किया जाएगा, आपको लगता है? मेरा सवाल ये है झारखंड के मुख्यमंत्री जी से, दोबारा विचार कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपके विचारों का स्वागत है, लेकिन ये पर्यटन स्थल घोषित करने से पहले जैनों का इतना महान तीर्थ है तो उनको पूछा गया क्या? ये अहम बात आप कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहे हैं कि पूछा गया कि नहीं, लेकिन अपने आप में ये भी विचार हो सकता है कि इससे समाज की बेहतरी हो, आर्थिक तौर पर मजबूती आए,
ज्यादा कारोबार आर्थिक तौर होगा। पर उन्नति भारत देश में सब जगह हो रही है और उसमें जैनों का सबसे ज्यादा योगदान है। आज देश में 25 करोड़ लोगों को रोजी रोटी जैन समाज दे रहा, तो जैन समाज को ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। और एक ही पहाड़ आपको मिल रहा है जो पवित्र है, दो ही पहाड़ है जो सर्वोत्तम पवित्र है, और रोजी रोटी आपको वहीं पर दिखती है। और नीचे दुकान लगाइए ना, ऊपर हमारे यहाँ थूकना भी पाप है, रात को रहना भी पाप है, भोजन करना भी पाप है, और वहां आपको रोजी रोटी दिख रही है। अंत में सर महाराज जी, ये सवाल कि क्या आप लोग केंद्र सरकार से इस बारे में बात करेंगे, क्या बिल्कुल कर हमारी बात चालू है। आज रात को भी केंद्र सरकार के 4 मंत्रियों से हमारी मीटिंग है और उसके अंदर भी काफी कुछ निर्णय होगा। बस हमारा एक ही निवेदन है कि धर्मों को बढ़ावा ना दो तो एक बार चलेगा, पर धर्म को खत्म क्यों कर रहे हो? संविधान ने सब धर्मों को अपना अधिकार दिया है। जैनों का ये तीर्थ है, सबको पता है, करोड़ों वर्षों से तीर्थ है, और वहां पर तीर्थ को खत्म करना, टूरिज्म ला करके यानी 5 स्टार होटलें बनाओ, नॉनवेज वहां पर लाओ, वहां पर दूसरे गलत कर्म होने लगे, ये कौन सा निर्णय है? ठीक है महाराज जी, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।